नहीं आती, कितने ही बच्चों को डिफिकल्टी उसमें आती है। तो रोमन नंबर में कितने बच्चों को पता नहीं रहता कैसे लिखना है, इसका डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, तो यही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर आप थोड़ी सी भी स्किप करते हो तो आपको एक बीच का पार्ट समझ नहीं आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आज रोमन नंबर को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो अपन वन को अपन बोलते हैं आई, और टू को अपन बोलते हैं डबल आई, थ्री को अपन बोलते हैं ट्रिपल आई, एंड फोर को अपन बोलते हैं वी आई, एंड फाइव को अपन बोलते हैं वी, एंड सिक्स को अपन बोलते हैं आई वी, एंड सेवन को अपन बोलते हैं डबल आई वी, एट को अपन बोलते हैं ट्रिपल आई वी, एंड नाइन को अपन बोलते हैं एक्स आई, एंड टेन को अपन बोलते हैं एक्स। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई क्या क्या बोलते हैं। तो अपन अब ये देखेंगे कि कितनी बार ये रिपीट होते हैं, कितनी बार ये यूजेबल हो सकते हैं, मतलब कितनी बार ये यूज हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं लगातार। तो अपन आई को अपन थ्री बार यूजेबल कर सकते हैं, जैसे देखो जैसे थ्री, जैसे मान लो अपन फोर कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे आई आई आई, इट इज़ रॉन्ग। अपन फोर अपन ऐसे लिखेंगे वी आई। तो यही जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया थ्री को अपन बस थ्री बार ही, जो आई है उसको अपन थ्री बार ही रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अपन एक्स टेन, एक्स का मतलब होता है टेन, ये देखो एक्स का मतलब होता है टेन। तो एक्स अपन थ्री बार यूजेबल है, मतलब थ्री बार इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे फोर्टी अपन एक्स, फोर्टी अपन एक्स 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 ऐसे नहीं लिखेंगे, इट इज़ रॉन्ग। फोर्टी अपन ऐसे लिखेंगे, देखो एल, एल का मतलब होता है फिफ्टी, एंड एक्स का मतलब होता है एक्स, देखो एल का मतलब होता है फिफ्टी, एक्स का मतलब होता है टेन। तो ये हो गया फोर्टी। और आप इस एक बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि कभी भी कोई बड़ी संख्या आगे आ जाए, देख लो जैसे मान लो फिफ्टी, फिफ्टी को अपन रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, एल लिखते हैं, है ना, एल लिखते हैं, और टेन को अपन क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, लिख दिया। तो देखो ये हो गया फोर्टी, ये दिस वन इज फोर्टी। तो अब आप ये ध्यान रख लीजिएगा कभी भी बड़ी संख्या आगे आ जाएगी और छोटी संख्या पीछे चली जाएगी, तो इसमें अपन को करना है माइनस। और जैसे एक्स एल आ जाए, जैसे मान लो सपोज, तो उसमें अपन को करना पड़ेगा प्लस। ओके, उसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अब ये देख लीजिएगा, वी वन यूजेबल है, एल वन यूजेबल है, सी थ्री यूजेबल है, एन थ्री यूजेबल है। सी का मतलब क्या होता है, हंड्रेड, सी का मतलब होता है हंड्रेड, एल का मतलब होता है फिफ्टी, वी का मतलब होता है फाइव, एंड एक्स का मतलब होता है टेन, आई का मतलब होता है वन, ओके, एंड एम का मतलब होता है वन थाउजेंड। तो ये आपको समझ आई जाएगा। तो अब अपन जानते हैं कि आई को अपन क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, और वी को अपन क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं, एंड एक्स को अपन क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं, एंड एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं फिफ्टी, एंड सी को क्या बोलते हैं हंड्रेड, डी को अपन बोलते हैं फाइव हंड्रेड, एंड एम को अपन बोलते हैं वन थाउजेंड। ओके, तो ये अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जिससे अपन को थोड़ा आइडिया लग जाए, है ना, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। अब देखो आई को वन बोलते हैं, एक्स को अपन टेन बोलते हैं, सी को अपन हंड्रेड बोलते हैं, एम को अपन बोलते हैं वन थाउजेंड। ओके, तो अब देखो टू को अपन कैसे लिखेंगे, टू का जो ये डबल आई है उसको अपन रोमन, अपन उसको नंबर में कैसे लिखेंगे, वन प्लस वन कितना होता है टू, इजिकल टू टू। अब देखो थ्री को कैसे लिखेंगे, अब थ्री में अपन को क्या करना पड़ता है, ट्रिपल आई लगाना है, मतलब आई वन, आई वन, आई का मतलब होता है वन, तो ट्रिपल आई लग जाएगा, कितना हो जाएगा थ्री, इजिकल टू थ्री। ओके, टेन को थ्री का मतलब है एक्स, एक्स एक्स का मतलब क्या होता है टेन। ओके, तो ये थ्री यूजेबल हो सकता है, थ्री से अपन ज़्यादा इसको यूजर रिपीट नहीं कर सकते। तो ये है ट्वेंटी, ट्वेंटी है, तो टेन ट्वेंटी को कैसे लिखेंगे, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, इजिकल टू ट्वेंटी। ओके, तो अब वी एल डी इज नॉट रिपीट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी का मतलब होता है फाइव, एल का मतलब होता है फिफ्टी, डी का मतलब होता है फाइव हंड्रेड। तो ये जो है वो बस वन रिपीट ही, वन यूजेबल ही है, ये थ्री से ज़्यादा, ये वन से अधिक रिपीट नहीं हो सकते, बस ये वन ही बार रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ये फोर है, ओके फोर है ये, तो इसमें क्या आया, फर्स्ट जो आपको मैंने पहले भी बताया, जो बड़ी संख्या आगे लगती है, जो पीछे छोटी संख्या, छोटी संख्या जो पीछे लगती है, तो
इस परिस्थिति में अपन को करना पड़ता है माइनस, ओके। और जब बड़ी जब छोटी संख्या आगे लगती है और पीछे बड़ी संख्या लगती है तो इसमें अपन को करना पड़ता है प्लस। जस्ट लाइक देख लो, सिक्स में छोटी संख्या आगे है पर बड़ी संख्या पीछे है, तो इसमें अपन ने प्लस किया, देखो 5 को प्लस किया 1 एंड 6 इज इक्वल टू 6। अब देखो 4 में बड़ी संख्या आगे है छोटी संख्या पीछे है, तो इसमें अपन ने माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया, कितना हो जा 4 इज इक्वल टू 4, ओके। जैसे ही इसमें ये है देखो, अब जैसे ये 9 है देख लो, ये है 9, ये क्या है 9, देखो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ, ओके। ये है आई, इसे कहेंगे आई है ना, आई एक्स का मतलब होता है 9, ओके। इज इक्वल टू आई एक्स का मतलब 9 होता है, तो 9 कैसे हुआ वो बताता हूँ। एक्स का मतलब 10 होता है, आई का मतलब 1 होता है, ओके। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब बड़ी संख्या जब आगे लगती है और पीछे छोटी संख्या लगती है तो इसमें अपन को क्या करना पड़ता है माइनस, तो 10 में से 1 माइनस किया इज इक्वल टू 9, ओके। तो अब देखेंगे कि 5000 को कैसे लिखते हैं, ये बड़ी संख्या है तो इसको कैसे लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, जो V का मतलब क्या होता है 5, और लाइन लगा दिया इसके ऊपर तो इसका मतलब हो जाएगा 1000। तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 1000 में 3 जीरो होती है, 3 जीरो लगा दिया, 5 V का मतलब 5 होता है, तो ये हो गया 5000। ऐसे लिखेंगे अपन, देखो अगर डबल लाइन लग जाएगी तो इसका 6 हो जाएगा, 0 1000 में 3 जीरो होती है तो 2000 में कितना हो जाएगा 6 जीरो लग जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा 60, ओके। इसे देख लो, इसमें V में डबल लाइन लग गई है तो इसमें देखो 60 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 लाख हो गया, ओके। ये कितना हो गया 50 लाख हो गया है ना। जैसे इसमें सी या सी का मतलब 100 होता है एंड इसमें लाइन लग गया 1 एंड इसका 1000 हो गया, ओके। तो ये हो गया 1 लाख, ओके। ये ऐसा आप लिख लीजिएगा, इसके आगे ऊपर लाइन लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया इसका 1000 मतलब हो सकता है। अब देखो मैंने इधर लिखा है, कोई भी नंबर 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होता, कोई भी नंबर 3 से अधिक बार नहीं रिपीट होता, तो आपको ये सब समझ अंडरस्टैंड हो ही गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट आप जरूर कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो मैं आपको हर टू बार उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।